नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है और 5 जवान शहीद हो गए हैं। भिम्बर गली और पुंछ के पास दोपहर 3 बजे हुई इस घटना की वजह अज्ञात आतंकियों की गोलीबारी है और आशंका है कि आतंकियों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। भारी बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से सेना गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में 5 जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे राजौरी की सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार मामले में गुजरात की एक विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में गुजरात सरकार में मंत्री रहीं माया कोटनानी और उनके साथ साथ बाबू बजरंगी को भी अदालत ने बरी कर दिया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2017 में सुश्री कोटनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे। बरी किए गए लोगों के वकील ने आज अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें, माया कोटनानी को नरोदा पाटिया दंगों के मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उन्हें 28 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 143, 147, 148 और 120 बी के तहत मुकदमा चल रहा है। मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले मुल्क के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है। राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, वह दिखाता है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र का खात्मा चाहती है। वे वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं और संविधान को दरकिनार करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुफ्ती ने आगे कहा कि न्यायपालिका लोगों की अंतिम उम्मीद है, लेकिन इसकी हालिया भूमिका से सवाल पैदा होते हैं। अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं को देखिए, वे कई साल से बिना सुनवाई के लंबित हैं। बिल्किस बानो का मामला लंबित है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में तेजी लाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी लोकप्रियता से डर गई है। महबूबा ने कहा कि मुझे भरोसा है कि लोग वेस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ उसी प्रकार उठ खड़े होंगे जैसे वो 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशंस कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले पर रोक लगाने के लिए सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब उसी याचिका पर आज हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत ना देते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज एनसीपी नेता शरद पवार और बिजनेसमैन गौतम अडानी के बीच हुई मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला है। पवार अडानी की मुलाकात पर महुआ ने कहा कि किसी भी नेता को गौतम अडानी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। अडानी के मुद्दे पर आक्रामक रूप अपना रही महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि एक अडानी ने अपने दोस्तों व्हीलर डीलरों के माध्यम से उनसे और कुछ अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। महुआ ने यह भी कहा कि उनके पास आमने सामने बैठकर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है और जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तब तक किसी भी राजनेता को उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। महुआ ने शरद पवार पर हमला करने के लिए हिंदी की एक कहावत का भी प्रयोग किया और कहा कि उन्हें महान मराठों का मुकाबला करने में कोई डर नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि केवल आशा कर सकते हैं कि उनके पास पुराने रिश्तों को निभाने से पहले देश को प्राथमिकता देने की समझ होगी। वे शरद पवार पर हमला करते हुए केवल यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मेरा यह ट्वीट विपक्षी एकता के विरोध में बिल्कुल भी नहीं बल्कि जनता के हित में है। हिंडनबर्ग के अडानी पर आरोपों को लेकर जेपीसी जांच को गैर जरूरी बताने के कुछ दिनों बाद आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्योगपति गौतम अडानी की पवार के घर पर मुलाकात हुई। बंद कमरे में दोनों की हुई मुलाकात के बारे में अब तक अडानी या शरद पवार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, मगर इस मुलाकात पर अलग अलग पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेने कहा कि जो बैठक हुई है उसको राजनीतिक नहीं लेना चाहिए, उन दोनों की बैठक का राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि शरद पवार और अडानी की मित्रता पूर्वक संबंध है, दोनों एक दूसरे के घर जाते हैं, इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए और यह जग जाहिर है कि उनकी दोनों की मित्रता है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य हुसैन दलवई ने कहा कि शरद पवार की अडानी के साथ मीटिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके अडानी के साथ पहले भी संबंध रहे हैं। पवार साहब ने कभी नहीं कहा कि अडानी के खिलाफ जेपीसी गलत है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 59 सालों में समाज और कानून विकसित हुए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट केवल ढांचा प्रदान करता है, नई अवधारणाओं को इसमें आत्मसात किया जा सकता है। हम मूल व्याख्या से बंधे नहीं हैं, इसका विस्तार किया जा सकता है। हमारे कानून ने वास्तव में समलैंगिक संबंधों को विकसित किया है। समलैंगिकों को शामिल करने के लिए कानून संशोधित किया जा सकता है। हम किसी कानून को नहीं पढ़ रहे हैं, संवैधानिक गारंटी के संदर्भ में सिर्फ कानून का विस्तार करना है। हम किसी कानून की मूल व्याख्या से बंधे नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि सवाल यह है कि क्या एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध इतना मौलिक है कि हम समान लिंग के बीच संबंध को शामिल नहीं कर सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का उद्देश्य उन लोगों को विवाह की अनुमति देना था जो विवाह के धार्मिक शासन से परे पूरी तरह से पर्सनल लॉ पर नहीं है। जब समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया तो आपको यह भी एहसास होता है कि ये एक बार के रिश्ते नहीं हैं, ये स्थायी रिश्ते भी हैं। ये ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि भावनात्मक रूप से भी ये मिलन स्थिर हैं। आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और इलेक्शन मैनेजमेंट में कमी रहती है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जनता हमें वोट तो देना चाहती है लेकिन संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाए। बता दें कि बीच के 15 महीनों को छोड़कर पिछले 18 सालों से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर रही है। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि एक तरफ तो आप कहते हो कि कमलनाथ हमारे सीएम फेस हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहा है वह तार तार है। ये दिग्विजय सिंह का स्टाइल है, वह कमलनाथ को वापस कोलकाता छोड़कर आएंगे। वहीं इस मामले को डैमेज कंट्रोल करने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ये नहीं कहा कि संगठन कमजोर है बल्कि उन्होंने कहा है कि हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है क्योंकि हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है। हम बूथ लेवल तक अपना संगठन बना रहे हैं क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी और हम उनका मुकाबला करेंगे। अगले महीने गोवा में होने वाली एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान ने कहा कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के गोवा में 4 से 5 मई को होने वाली एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में हमारी भागीदारी एससीओ चार्टर और प्रक्रियाओं के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान द्वारा अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में क्षेत्र को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती हैं। बता दें 2014 में नवाज शरीफ के भारत दौरे के बाद किसी भी पाकिस्तानी मंत्री की ये पहली भारत यात्रा होगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अतीक हत्याकांड को लेकर तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने अतीक जैसे अपराधियों को सियासी संरक्षण देने का दावा करते हुए सपा और बसपा पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने मुंबई में दाऊद साम्राज्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ का भी जिक्र किया। जेठमलानी ने कहा कि अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन लगातार आपराधिक गतिविधियों के बावजूद फलते फूलते हैं क्योंकि वे राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं और इसके बदले में उन्हें संरक्षण मिलता है। अतीक 2004 से 2008 तक समाजवादी पार्टी का सदस्य था। 2008 में गिरफ्तार होने के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो 2012 में सपा के सत्ता में आने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया जबकि उसकी आपराधिक गतिविधियां चरम पर थीं, जिसके बाद अब योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और आखिरकार 2019 में उमेश पाल के 2006 में अपहरण मामले में दोषी ठहराया गया। यह योगी सरकार ही थी जिसने उसकी अवैध कमाई की 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करके उसके वित्तीय प्रभाव को समाप्त कर दी और उसकी दौलत छीन ली गई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपियों से
पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में शूटर सनी ने कबूल किया है कि इन तीनों आरोपियों को दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क से हथियार मिले थे। कानपुर का बाबर भी इसी गैंग से जुड़ा था। बाबर के जरिए ही ये लोग गोगी गैंग के संपर्क में आए थे। हालांकि पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि लगातार बयान बदल रहे हैं और इस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस इन लोगों के दावों को क्रॉस वेरीफाई भी कर रही है। आपको बता दें कि जितेंद्र हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास था। वहीं इससे पहले पुलिस के सामने इन लोगों ने यह भी कबूला था कि तीनों लॉरेंस बिश्नोई के जैसा बनना चाहते थे। IPL के आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स आमने सामने हैं। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और बेंगलोर ने अपने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 174 रन बनाए थे। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई और बेंगलोर ने इस मुकाबले को 24 रनों से जीत लिया। IPL के दूसरे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। बारिश के बाद मैच देरी से शुरू हुआ और टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने गेंदबाजी का फैसला किया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।